हमने प्रीव्यू में बात करी थी जब आपसे, तो आपने कहा था कि भाई टीम के दो नजरिए होते हैं किसी भी टीम के, एक प्रोएक्टिव होता है एक रिएक्टिव होता है। आपने अभी भी समझाया कैसे कि आप आने वाली चीज भाप लेते हैं और उस हिसाब से बदलाव करते हैं। तो हमने देखा है इंग्लैंड को करते हुए, उन्हें लगा कि बल्लेबाजी सही नहीं चल रही है, वो ढूंढ निकाला है कि भाई डेविड मलान को हम रख लेंगे अपने साथ। उन्होंने देखा कि गेंदबाजी सही चल रही है जिमी एंडरसन की, तो वर्कलोड इतना होने के बावजूद भी उनको लगाए रखा। क्या आपको लगता है भारत की अप्रोच इससे विपरीत है? क्योंकि वहां भी हमने देखा है कि उनको तकलीफें हुई और लगातार तकलीफें होती आई हैं, चाहे हम बल्लेबाजी की बात कर ले वहां पर या सिलेक्शन की बात कर ले। क्या आपको लगता है भारत की अप्रोच थोड़ी सी रिजिड है, थोड़ी सी कहेंगे कि उन्होंने एक अगर चीज पकड़ ली है तो उसी पर रहते हैं, उससे इर्द गिर्द नहीं जाते? कैसा लगता है आपको इन दोनों अप्रोचेस में फर्क? हाँ, आपने सही उदाहरण दिए। और देखिए, क्रिकेट में मैं हमेशा ही मेरा ये मानना रहा है कि कोई भी कुछ भी सही या गलत आप नहीं कह सकते। आपको एक प्रोसेस पे रहना है, आपको एक तरीका निकालना है, और जो तरीका आपको सही लगता है और उस तरीके से आपको अपने टीम में माहौल बनाना होता है। मैंने जितना अब तक देखा है कि आप या तो बिल्कुल इस तरफ हो या बिल्कुल उस तरफ हो, वो एक एक जो बीच का भी रास्ता जो होता है ना, वो अब तक इस टीम से डिसीजन मेकिंग में वैसे दिखानी है। अगर आप सिर्फ टीम का मतलब इसी सीरीज की बात कर लीजिए या जिस तरीके से इसके साथ WTC जोड़ लीजिए, तो आपने जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए सोचा कि ये कंडीशंस है, तो आपने कहा कि नहीं, हम जो हमारा जो एक बेस्ट बॉलर्स है हम उनके साथ जाएंगे, हमारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो हमारे लिए सक्सेस लेके आया है ज़्यादा, उसके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो उसमें आपके दो स्पिनर्स थे, फिर आपने कंडीशंस के लिए ज़्यादा देखा नहीं, आपने कहा कि नहीं हमारा यही एक टेम्पलेट है और हम इसके तरफ ही रहेंगे। उसके बाद आपने महसूस किया कि नहीं, ये चीज़ यहाँ पर इन कंडीशंस में नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी, तो आप बिल्कुल ही अलग एक्सट्रीम पे चलेंगे कि हाँ भाई अभी हमारा ये टेम्पलेट है और हम इसी के साथ चलेंगे। हो सकता है कि कंडीशंस के अलावा आप कंडीशंस के साथ आप डिसीजन ले सकते हो, कंडीशंस के को उसके साथ में जोड़ के आपने जो टेम्पलेट सेट किया है उसके अराउंड भी चीज़ें कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ हमें देखने मिली है डिसीजन मेकिंग में। और दूसरी चीज़, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आपने जो 5 गेंदबाज खेलने का निर्णय लिया और वो एक जो टेम्पलेट सेट किया है ना प्लेइंग 11 का, वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके अलावा जो उसके अंदर और आप कॉम्बिनेशन जो कर सकते हैं या खिलाड़ी ढूंढ सकते हैं जो आपको और बेहतर बैलेंस दे, वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं वहाँ पर कसर ज़रूर रहती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आता है कि जब आप जब हम हमेशा इस सीरीज की भी बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आप ओवर अग्रेसिव वे में बॉलिंग कर रहे हैं कि सिर्फ विकेट का सोच रहे, फिर आप कभी ये नहीं सोचते कि बिल्कुल अटैकिंग या फिर बिल्कुल डिफेंसिव। वो जो एक बीच का रास्ता होता है कि हाँ पार्टनरशिप हो रही है, हम थोड़ी सी डिफेंसिव फील लगाएंगे जिससे हम विकेट मिलने तक इंतजार करेंगे और रनों के गति पर अंकुश लगाएंगे, वैसे वाला सेशन होता है कि बीच का जो थिंकिंग है वो अब तक वैसे देखने नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग अब तक देखी है ना मैंने तने, वो हमेशा या तो बिल्कुल इस तरफ है या इस तरफ है, जो बीच में का एक आप बैलेंस का सोचते हो वो अब तक मुझे देखने नहीं मिला।